Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 6 अगस्त ऑफ 2020 एंड इट्स अ थर्सडे टुडे। चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दें। चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। पहला क्वेश्चन है, FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसको कब फाउंड किया गया था, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला उसमें फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकेंड लैंग्वेज कौन सी होती है और थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है, ये आपको बताना है। और आपको बताना है आर्टिकल जो क्या कहते हैं 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा क्वेश्चन आता है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी लैंग्वेजेस को रिकोगनाइज शेड्यूल लैंग्वेजेस माना गया है। 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कितनी लैंग्वेजेस को क्या कहते हैं रिकोगनाइज शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ होती है, इट इज़ अ क्रिटिसम नॉट कंटेम्प्ट सिंह भूषण। कहते हैं आप जैसे हमने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर जो एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण उनके ऊपर लगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं शरद ए बोबडे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। उनके एक इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं शरद ए बोबडे वो एक मोटर बाइक में उनकी फ़ोटो थी तो उस पर कहते हैं जो प्रशांत भूषण है उन्होंने ट्वीट किया कि इस लॉकडाउन में वो इतनी महंगी बाइक कैसे चला रहे हैं। उन्होंने एक क्रिटिसाइज किया लेकिन उसे लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया। चलिए हम लोग देख लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलिए अलग से देख लेते हैं हम लोग। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन पे लिंक से भी कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है क्या, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बाद ये होता है कि कंटेम्प्ट रिफर्स टू द ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। कोई अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट है या डिग्निटी है कोर्ट की उसको वो डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। ये सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट वो होता है जो अगर जैसे विलफुल डिसओबीडियंस टू अ जजमेंट डिग्री डिस्क्रिशन ऑर्डर की कहते हैं एक विलफुल एक जानबूझ के जो डिसओबीडियंस किया गया हो उसे सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कि इट इज़ एन एनी पब्लिकेशन विच में रिजल्ट इन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी, कि स्कैंडलाइज किया जाए कोर्ट को तो फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट उसके ऊपर लगता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 क्या बताता है, ये बताता है दिस एक्ट डिफाइंस द पावर ऑफ कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट रेगुलर सिचुएशन। क्या कहते हैं उसके कोई भी इंसान अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उस पर पनिशमेंट कितनी मिलनी चाहिए और कहते हैं उसके ऊपर क्या प्रोसीजर होना है किस तरह से मिलनी चाहिए ये बताता है कंटेम्प्ट कोड एक्ट 1971। इसके पनिशमेंट्स क्या हैं, क्या कहते हैं इसमें पावर टू पनिश फॉर लगभग 6 साल 6 महीने की सजा या और या 2000 रुपये फाइन या दोनों आप लग सकते हैं। इसी तरह जैसे 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ या उसकी और भी लोअर कोर्ट्स पर सब ऑर्डिनेट जितनी कोर्ट है उन पर डिसओबीडियंस करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले सकती है। उसके बाद उसी तरह हाई कोर्ट ने भी कहा कि उसकी जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं अगर उनमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो किसी पर लगाते हैं तो वो भी हाई कोर्ट भी उस पर डिसीजन दे सकती है। इसका नीड क्या है, इसका नीड है कि द पर्पस ऑफ कंटेम्प्ट ज्यूरिडिक्शन इज टू अपहोल्ड द मजिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी की क्या कहते हैं डिग्निटी बनाए रखने के लिए मजिस्ट्री बनाए रखने के लिए जरूरी है और क्या कहते हैं कोई भी जजेस जो हैं वो विदाउट फियर फेयर अफेक्शन और इल विल के डिसीजन ले सके इसलिए भी जरूरी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देख लेते हैं। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी को भी पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। आर्टिकल 142(2) कहता है कि सुप्रीम को इन्वेस्टिगेट कर सकती है और पनिश कर सकती है किसी भी पर्सन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। आर्टिकल 215 बताता है कि हाई कोर्ट पनिश कर सकती है कोई भी अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट भी क्यों भी लगाता है कोई तो उसको भी पनिश कर सकती है। द लॉ इज़ वेरी सब्जेक्टिव विच माइट बी यूज बाय द जुडिशरी आर्बिट्रली सप्रेस द क्रिटिसिज्म बाय द पब्लिक। ये लॉ काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव भी है क्योंकि इससे जुडिशरी कोई उसे क्रिटिसाइज़ करता है पब्लिक और कभी कोई भी पब्लिक पर अगर उसे क्रिटिसाइज करेगा जुडिशरी को तो उसके ऊपर ये लॉ लगा के उसे पनिश कर सकती है ऐसा ही इस तरह का लॉ ये है इसमें कहा गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है मॉडर्न सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे पीएम मोदी ने कहा कि ये जो कल जैसे हम सभी जानते हैं कि कल जन्म क्या कहते हैं वहाँ पर राम टेम्पल का वो हुआ है क्या कहते हैं उद्घाटन हुआ उसका वो कि उसकी पूजा रखी गई थी तो हुआ है कल सभी जानते कि उसका कंस्ट्रक्शन अब चालू होगा ये सभी जानते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसमें क्या कहते हैं हमारे पीएम और क्या कहते हैं जो आरएसएस के चीफ हैं
भागवत, वो दोनों लोग वहाँ पे मौजूद थे और भी कई लोग थे। इसमें वही कहा गया पीएम लॉन्चेस कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल अयोध्या से, इट इज द बिगनिंग ऑफ अ गोल्डन चैप्टर, कि ये एक बिगनिंग है गोल्डन चैप्टर की, ऐसा उनका कहना था। इस न्यूज़ में वही कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें उन्हीं की लोगों ने क्या क्या कहा उसके बारे में बताया गया। अगली न्यूज़ आती है कश्मीर अंडर सिक्योरिटी बैंक, क्या कहते हैं, इसमें कहा गया जैसे हमने देखा कि पिछले साल इसी दिन 5 तारीख को ही आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, विड्रॉल किया गया था, तो उसके बाद एक साल हो गया लेकिन वहाँ पे भी अभी लॉकडाउन जैसी कंडीशन है, इसमें वही बताया गया पूरे न्यूज़। हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में क्या क्या चैलेंजेस को अलग से देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस का ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज जैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वहाँ पे, जो 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एड सुना सब क्लॉज टू आर्टिकल 367, कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी जम्मू कश्मीर की, उसे लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी जम्मू कश्मीर, वो उसको अभी भी वहाँ पे है, वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर में, वो भी अभी एक एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क कर रही है। इस तरह के कई वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस है। फेडरलिज्म इशू भी है कि वहाँ पे लोग एक दूसरे को नहीं मानते कि वो इंडिया के पार्ट है, वो अलग अपने आप को एक मानते हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वॉज लाइक अ ट्रीटी बिटवीन टू सोवरिन कंट्री दैट हैड डिसाइडेड टू वर्क टूगेदर, ऐसा माना जाता है कि दो कंट्रीज थी, एक जम्मू कश्मीर और एक इंडिया है, बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, तो ये दो अलग अलग कंट्री लोग मानते थे वहाँ के लोग, और दोनों एक साथ काम करते थे, लेकिन इन्होंने ये चेंजेस ला के गलत किया। इस तरह के कई इशू है वहाँ पे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सेंटर नॉट टू सीबीआई प्रोब इन सुशांत केस, जैसे सुशांत राजपूत केस में क्या कहते हैं सीबीआई, अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसे सेंटर ने डिसीजन भी लिया। चलिए देख लेते हैं सीबीआई को हम लोग अलग से। सीबीआई एक सेंट्रल, एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की। ये वर्क सुपरिंटेंडेंट, इट फंक्शन अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के द्वारा भी वर्क करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ मिलकर। ये एक नोडल पुलिस एजेंसी इंडिया की, जो बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज है उनके बिहाफ पे भी वर्क करती है। इसका कन्विक्शन रेट काफ़ी अच्छा है, 65 to 70% कन्विक्शन रेट है। इसमें डायरेक्टर जो होते हैं सीबीआई के, वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं, जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा देखते हैं। 2014 से पहले ये डीएसपी एक्ट द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन 2014 के बाद एक लोकपाल जो एक्ट पास हुआ उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। उस कमेटी के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके अदर मेंबर्स होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज इसके मेंबर होते हैं। होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट भेजती है डीओपीटी को, डीओपीटी देखती है कि उसके ऊपर एंटी करप्शन केसेस तो नहीं लग रहे, जो लोग उस लिस्ट में हैं उनको देखती है परखती है, और उसके बाद जो लिस्ट रिमेनिंग जो लिस्ट बची होती है उनको वापस भेज दिया जाता है उस कमेटी के पास। फिर डिसीजन लिया जाता है कि कौन डायरेक्टर बन सकता है। जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होते हैं उनके पास 2 साल की सिक्योरिटी होती है सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा, और इनका टेन्योर भी 2 साल का ही होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है गवर्नमेंट बिगेंस ट्रायल ऑफ ई टिकटिंग सिस्टम, कि दिल्ली में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नया चालू किया है, 3 डे पब्लिक ट्रायल चालू हुआ है ई टिकटिंग सिस्टम का, कि जो रूट नंबर बसेस का रूट नंबर 473 है, वहाँ पे एक मोबाइल ऐप के द्वारा आपको क्या कहते हैं वहाँ के पास आप ले सकते हैं, ट्रैवल वो जो बसेस के पास है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये क्या कहते हैं इससे कॉन्टैक्ट लेस टिकटिंग फैसिलिटी चालू करने की बात की गई है। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, ये आई टी दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है चार्टर, उसके नाम पर इसे चालू किया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, और क्या कहते हैं ये हर जगह लगभग चालू कर देना चाहिए, धीरे धीरे करके ये ट्रायल चालू हो जाए। ट्रायल अगर सक्सेस रहा तो धीरे धीरे हर जगह ट्रायल करके अलग अलग हम लोग की स्टेट क्या कहते हैं जितनी भी स्टेट्स हैं सब स्टेट में धीरे धीरे करना चाहिए। अगली न्यूज़ आती है वेस्ट ऑन यमुना बैंक, एनजीटी ने वॉर्न किया पेनल्टी के लिए कि अथॉरिटीज नॉट टेकिंग एडिक्वेट स्टेप्स, कि एनजीटी का कहना था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कि यमुना रिवर में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट क्या कहते हैं बैंक्स और रिवर यमुना में पाया गया है, कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज किया जा रहा है उस रिवर में क्या कहते हैं यमुना में, जिससे काफ़ी ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैजार्डस वो क्या कहते हैं होती जा रही है रिवर, तो इसलिए इसमें बताया गया कि उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा ना हो, ऐसा उसमें कहा गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं एनजीटी को और यमुना रिवर को। यमुना रिवर एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, वाइल बांग्लादेश जमुना रिवर इज लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल ऑफ द ब्रह्मपुत्र, और जो बांग्लादेश की जमुना रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी है, और ये यमुना रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ये आप याद रखिएगा काफ़ी अच्छा पॉइंट है।
ये यमुना इज अनदर सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया दैट ओरिजिन फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से चालू होती है जो 6,387 किलोमीटर ऊंचाई पे है, काफ़ी ऊंचे पे है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। यमुना रिवर फ्लोज फॉर 200 किलोमीटर लोहे हिमालय और शिवालिक रेंजेस से निकलती है। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी टोंस रिवर में है। टोंस रिवर फ्लोज फ्रॉम गढ़वाल रीजन उत्तराखंड मीट्स यमुना नियर, उत्तराखंड से चालू होती है क्या कहते हैं गढ़वाल रीजन से, और यमुना जो क्या कहते हैं यमुना रीजन है देहरादून में वहाँ पर ख़त्म होती है। इसके और रिवर है जैसे गिरी, ऋषि गंगा, कूना, हमनर गंगा, बाता ट्रिब्यूटरी, मीट यमुना, ये सब जो ट्रिब्यूटरी ये भी यमुना में आके मिलती है। यमुना इज मेट बाय द आसाम रिवर, लाइज द आसाम बैरेज विच होस्ट द बर्ड सेंचुरी। ये आसाम रिवर से भी मिलती है, जो आसाम बैरेज है वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है। क्या कहते हैं इसकी, इसमें कई ट्रिब्यूटरी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ये याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यमुना में कौन कौन सी, यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो ऑप्शन में आ जाएगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो ये चारों उसकी ट्रिब्यूटरी है। चलिए अगली न्यूज़ देख, अगली न्यूज़ नहीं एनजीटी को देख लेते हम लोग पहले, फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। एनजीटी स्टेब्लिश बाय 2010 में स्टेब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। ये इन्वायरमेंटल कोर्ट है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, कल भी हमने बात की इस पर कई बार की कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए वर्क करती है, इन्वायरमेंट मैटर्स में। इसके क्या कहते हैं चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। इसमें 10 मिनिमम या मैक्सिमम 20 जुडिशियल एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट हो सकते हैं, और ये 7 लॉ के अंडर वर्क करती है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं सिविल सर्विस केसेस में, जो इन्वायरमेंटल सिविल केसेस हैं ये 7 लॉ के अंदर एनजीटी वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है हाई कोर्ट गिव्स नोट टू कट 357 मैंग्रोव फॉर मेट्रो 4। ये कहते हैं मुंबई में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा है कि वो 357 मैंग्रोव ट्रीज काट सकते हैं, लेकिन उसके जगह मेट्रो 4 वर्क के लिए, मेट्रो वहाँ पे मेट्रो जो 4 रेलवे जो 4th प्रोजेक्ट है उनका मेट्रो का, उस पर क्या कहते हैं काट सकते हैं उसके लिए, लेकिन उन्हें 4,444 सैम्पलिंग्स क्या कहते हैं बोनी पड़ेंगे कि प्लांट करनी पड़ेंगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो MMRDA ने कहा कि हम ऐसा करेंगे। तो ये मैंग्रोव देख लेते हैं कि मैंग्रोव क्या होते हैं। मैंग्रोव क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे काफ़ी फेमस ट्री है, इन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंग्रोव रिप्रेजेंट लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी हाइट 8 से 20 मीटर की ऊंचाई पर होती है। ये प्रोटेक्ट द शोर लाइन फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोन एंड सुनामी। ये अगर जो एडवर्स इफेक्ट होता है कोई भी साइक्लोन या सुनामी आती है तो इस वक्त ये शोर लाइन को बचाते हैं। मैंग्रोव अकर इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स बिटवीन लेटीट्यूड 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ, इन जगहों पर पाए जाते हैं। दे रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन दैट हेल्प्स टू फिल्टर सेलाइन वाटर थ्रू रूदे रूट्स। ये अपने रूट से क्या कहते हैं सेलाइन वाटर को भी फिल्टर कर देते हैं, इनकी इसके लिए इन्हें हाई सोलर रेडिएशन की जरूरत होती है। दे आर सॉल्ट टॉलरेंट सो दे आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। इन्हें हेलोफाइट्स भी कहा जाते हैं क्योंकि ये सॉल्ट टॉलरेंट भी होते हैं। इनकी लीव थिक होती है और ऑल्सो कंटेन सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड भी इसमें क्या कहते हैं होते हैं। इसमें क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैंग्रोव देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 3 तरह के होते हैं, रेड मैंग्रोव्स, ब्लैक मैंग्रोव्स और वाइट मैंग्रोव्स। रेड मैंग्रोव्स वो जो कोस्ट लाइन्स और हार्डलेस होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये क्या कहते हैं डार्क, जो ब्लैक मैंग्रोव्स इन्हें डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डार्क कलर के होते हैं। दे यूजली ग्रेट एट हायर एलिवेशन दैन रेड मैंग्रोव, ये ज़्यादा ऊंचाई पे उगाए जाते हैं। दे हैव एक्सेस टू मोर ऑक्सीजन एज द रूट्स आर मोर एक्सपोज्ड। इसमें क्या कहते हैं इनमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है क्योंकि इनकी रूट ज़्यादा से ज़्यादा फैली होती है। फिर आती है वाइट मैंग्रोव्स, इनकी ये और ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, ये ब्लैक मैंग्रोव से भी ज़्यादा ऊंचाई पे ग्रो किए करते हैं। इसमें कहते हैं यूनिक ग्रोथ ऑफ पैक रूट्स व्हेन ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड ड्यू टू फ्लड। क्या कहते हैं जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, अगर फ्लड व्लड आता है तो नहीं देखिए आप क्या कहते हैं ह्यूमिलेशन होने लगता है, क्या कहते हैं काफ़ी दिक्कतें होने लगती है सांस लेने में, तो इस वक्त भी ये काम आते हैं वहाँ पे अगर ये पेड़ उगे होंगे तो। मैंग्रोव्स इन इंडिया, ये क्या कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट वो ऑक्यूपाई 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में ऑक्यूपाई करती है। द मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक टाइडल हेलोफिटिक मैंग्रोव्स। ये सबसे बड़ा जो एरिया है वो सुंदरबन का मैंग्रोव्स का है। इट इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स। जो ये सुंदरबन एरिया है रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल्स के लिए तो फेमस है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्रिएट्स यूनिक एनवायरनमेंट व्हिच प्रोवाइड इकोलॉजिकल नीड्स फॉर वेराइज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहते हैं ये जो इसकी मैंग्रोव की फॉरेस्ट होती है कई तरह के जानवरों के लिए भी पनाह बन सकती है, कहते हैं लोग रह सकते हैं, जो क्या कहते हैं
जानवर हैं वो सब वहाँ पे रह सकते हैं, बसेरा अपना बना सकते हैं। इनमें कई स्पेशल तरह की रूट्स होती हैं, पॉप रूट्स, फेनेट्रोफोरोस, विच हेल्प टू इम्पीड वाटर फ्लो एंड देयर बाय इनहेंस द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन एरिया। ये इनहेंस भी करती है डिपॉजिट, जो डिपॉजिट होता है सेडिमेंट्स का उसको भी इनहेंस करती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट मॉडरेट मानसून फ्लड्स एंड कोस्टल लोलैंड्स, कोस्टल लोलैंड्स में भी ये हेल्प करती है। ये प्रोवाइड करती है वुड, फायरवुड, मेडिकल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स टू लोकल पीपल, लोकल पीपल को प्रोवाइड करती है। ऐसा रिसर्च स्टडी में पाया गया कि मैंग्रोव स्टोर मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन मोस्ट ऑफ द अदर फॉरेस्ट। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई करती है और ऑक्सीजन देती है। तो ऐसा है, माना जाता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसा सबसे ज़्यादा करती है किसी और फॉरेस्ट से। चलिए अगली न्यूज, आज का पहला एडिटोरियल देखते हैं। आज का एडिटोरियल चालू करते हैं हम लोग, द अर्बन माइग्रेंट एंड द रिचुअल टग ऑफ होम। क्या कहते हैं, इसमें बताया गया है कहते हैं कैसे दिक्कतों में क्या कहते हैं माइग्रेंट्स अपने अपने घर गए हैं, वहाँ पे भी उन्हें दिक्कतें हैं, क्या कहते हैं भूखे हैं, मर रहे हैं, लेकिन तब भी उस सब अपने घर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर सिटी में कोई मरेगा तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं हो, कौन उनको क्या कहते हैं कौन उनका क्रिमिनेशन करेगा, तो इसलिए सब अपना घर जाना चाहते हैं कि कुछ भी हो वो अपने घर पे रहें, अपने गांव परिवार के साथ रहें, ऐसे सब सोचते हैं। इन एनी रिलीजन, क्या कहते हैं कोई भी रिलीजन का हो या कोई भी कहते हैं फैमिली में हो, क्या कहते हैं सब अपने घर इसक जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें वहाँ पे आराम रहेगा, उन्हें वहाँ पे दिक्कतें नहीं होंगी, तो ऐसे इसमें कहा गया। इसमें कहा गया है कि जैसे हमने देखा है कि इट इज़ कंसिडर्ड एट फाइनेंशियल हार्डशिप, हर जगह फाइनेंशियल हार्डशिप है, कितने तरह के चैलेंजेस है माइग्रेंट वर्कर्स को, जाने में दिक्कतें, कहते हैं अब तो ट्रेनें चल रही हैं लेकिन पहले जो हो चुका कितने माइग्रेंट वर्कर पैदल ही गए, तो दिक्कतों के मारे सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। ऐसा माना गया है कि 93% ऑफ आर इकनॉमी इज़ इनफॉर्मल, जो 93% इकनॉमी हमारी इंडिया की वो इनफॉर्मल है। इट मैंडेट्स एम्प्लॉयर टू पे सेवरल वेजेस एंड अदर बेनिफिट ओनली इफ वर्कर्स आर हायर्ड, कहते हैं कुछ जो अमाउंट रहता है एम्प्लॉयर्स वेजेस, जो पैसे होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को तभी देते हैं जब वो हायर्ड होते हैं, उन्हें हटा दिया गया तो उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। जैसे इस वक्त कंडीशन माइग्रेंट वर्कर्स वापस जा रहे हैं, ऐसे ही कंडीशन 1979 की थी, जब माना जा रहा था कि एक सेटेलाइट गिरने वाला है और उससे पूरी सिटी सेंटर ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त भी लोग कहते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोग अपने अपने गाँव गए थे, चले गए थे कि डर के मारे कि मर जाएंगे हमसे सिटी में। ऐसा ही हुआ एक सूरत में हुआ था 1994 में, जब एक क्या कहते हैं प्लेग फैला था वहाँ पे, महामारी फैली थी वहाँ पे भी, तो क्या कहते हैं 6 लाख, जब 6 लाख लोग क्या कहते हैं बाहर चले गए थे अपने अपने कहते हैं रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे खड़े हो गए थे और वापस जाने के लिए सर। वैसा हुआ जैसे 2016 में भी ऐसे हुआ था कि माइग्रेंट वर्कर्स अपने वापस चले गए थे इकोनॉमिक थ्रेट्स के लिए, क्या कहते हैं कि वहाँ पे दिक्कतों के मारे वापस चले गए थे लाइफ डेंजर में मान के, उसी तरह इस बार हुआ 2020 में, क्या कहते हैं कि कोविड के कारण लोग वापस जा रहे हैं। इसमें यही पूरे में पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया। अगला एडिटोरियल हम लोग देखते हैं, बेरेट बेटर। जैसे हमने देखा कि ब्लास्ट जो हुआ लेबनान में काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था और काफ़ी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ, इसी ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ पे 135 लोग मरे हैं और 4,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं सर वहाँ पे, ऐसा बताया गया। इसमें एक कहा गया है कि ब्लास्ट इसलिए हुआ कि वहाँ पर 2700 टन जो अमोनियम नाइट्रेट था वो ब्लास्ट हुआ, जो क्या कहते हैं एक वेयर हाउस में बेरेट के रखा था, 6 साल पहले एक कार्गो शिप में पाया गया था कि वहाँ से कैप्चर किया गया था, तो वही ब्लास्ट हुआ है और वही से ब्लास्ट के कारण इतने लोग घायल हैं। इसमें कहा गया प्राइस ऑफ इंसेंसिव गुड्स आर हाई, फॉरन करेंसी स्कार्स एंड GDP एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट 12% दिस ईयर। ऐसा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहना है कि GDP इस बार 12% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी वहाँ की, ऐसा कहना है। अदर कंट्रीज इन द रीजन एज वेल एज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन शुड ऑफर हेल्प टू बेरेट टू विदस्टैंड दिस मोमेंट ऑफ कैटास्ट्रोफी, और भी कंट्रीज़ को हेल्प करनी चाहिए बेरेट की, जिससे वो इस जो कंडीशन आई है इतना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ है जिससे लोग मरे हैं तो उसको कंट्रोल कर सके, उसे रिजॉल्व कर सके। चलिए हम लोग देख, चलिए आज के लिए इतना ही, आज का एडिटोरियल छोटा ही रखते हैं, कल ज़्यादा एनालिसिस करेंगे हम लोग, कल से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए, अगर आपने लाइक नहीं किया बट तो लाइक बता दें। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।